अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड की खीर, जो कि बहुत ही इजी है। तो हमने हाफ लीटर मिल्क ले लिया है पैन में, जो कि बॉयल हो चुका है। ब्रेड ले लिया है, ब्रेड को हम पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे घर में बहुत ट्राई ज़रूर करिएगा। 5 मिनट में बन जाती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं लगते हैं और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है हमारी खीर। हमने 5-6 ब्रेड लिया था, अब हम मिल्क में ऐड करेंगे ब्रेड को और इसे अच्छे से इसमें इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप चाहे तो, अगर आपके पास ब्रेड बची है, बहुत बासी कभी कभी थोड़ी बहुत बच जाती है, आप उससे भी खीर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी, यूज़ भी हो जाएगा। मिक्स इट वेल। हमने 5 मिनट इसको बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। ब्रेड दूध मलाई में एकदम घुल गई है, हमने जो दूध लिया था उसमें थोड़ी मलाई भी थी, जिससे कि टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें स्लरी पाउडर ऐड करेंगे, गरी का बुरादा हमने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है। हमारी ब्रेड दूध मलाई में अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पकते पकते बहुत डार्क हो गई है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने 2 इलायची ले लिया था, उसे कोट दिया था, अब हम इसको ऐड करेंगे अपनी खीर में। और अब शुगर ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी शुगर की क्वांटिटी 1/2 बाउल है, लाइक 2 टेबल स्पून। हम 1/2 लीटर मिल्क लिए थे, उसमें ऐड करेंगे शुगर। मिक्स इट वेल। हमने फूड कलर ले लिया है, बहुत ही थोड़ा सा, लिटिल अमाउंट में हम वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि कलर हम थोड़ा सा ऐड करते हैं बहुत जल्दी कलर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें, अगर आपके पास मावा नहीं है, तो आप काजू और बादाम को पीस के पेस्ट बना के उसको भी ऐड कर सकते हैं। और 1 ड्रॉप केवड़ा भी डालेंगे तो उससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी खीर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है, कम इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं। ये हमारा फाइनली खीर सर्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है, लेस टाइम टेकिंग है। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।